अरे रुखसाना, अरे शेख चिल्ली कहाँ गया? आई अल्लाह, ओहो, अरे रुखसाना, एक ग्लास पानी दे दो। अभी लाई अब्बू। आए, ये लो अब्बू पानी। लाओ। बेटा, पेट में दर्द हो रहा है। एक चिल्ली से मेरी दवाई मंगा दे। देखो अब्बू, तुम्हें तो पता ही है वो मेरी तो सुनने वाले हैं नहीं, सो रहे हैं। जाके कहती हूँ। अच्छा, आए। घर में आटा भी नहीं है। अरे बेटा, आटा तो मैं मंगा दूंगा, पर मुझे ठीक तो होने दे, दवाई ला देने दे। ठीक है अब्बू, जाके उठाती हूँ। हाँ जा, उठा दे। अल्लाह कैसे करूँ, अरे मर गया। शेख जी, शेख जी, ना क्या बात है, कभी चैन से सोने नहीं देती। तुम्हें हर वक्त सोने का ही काम है। बोल क्या काम करवाया तू मेरे से। हाय अल्लाह, तुम्हें पता है अब्बू बीमार हो रहे हैं, उनसे उठा भी नहीं जा रहे। तो क्या हुआ, मैं दुनिया बीमार होती है, हो जाएगा ठीक। ये तो अल्लाह का फरमान है, कोई ठीक कोई सही, कोई ठीक कोई सही। अभी ना रही मौत अब्बू को। तुम्हें अकल है या ना, जाओ दवाई लेकर आओ अब्बू की। पैसे कट रही है ना, पैसे दे, ले आऊंगा। पैसे अब्बू देंगे, बुला रहे हैं, जाओ। ठीक है, हम जा रहे हैं अब्बू के पास, हम देखेंगे कितना बीमार है अब्बू। दे, हम देखेंगे। या अल्लाह, इन्हें भी कुछ अकल दे दे। अबू, क्या बात होगी, कैसे करंट से पकड़ रहा? अरे बेटा, तुझे मजाक के पड़ रही है। अरे मेरी दवाई ला दे, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? अबू, मुझे कम सुनता, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। और अबू सुनाई भी कम देता जब पैसे नहीं होते पास में। अरे बेटा, तू जिस डॉक्टर से दवाई लाएगा ना, वो दवाई फ्री की देता है, किसी से पूछ लियो, डॉक्टर रतन कुमार नाम है उसका, करावल नगर में दुकान है बेटा उसकी। ठीक है, ठीक है अब्बू, मगर मैं रतन की दुकान तो देखी नहीं, मैं जाऊंगा कैसे? अबे कमबख्त मारे, किसी से भी पूछ लियो, तेरे मुंह में जुबान तो है, नाम याद रखियो, डॉक्टर रतन कुमार। ठीक है अब्बू। अबे बात तो सुन। अब क्या बात हो गई? बेटा रे, एक बात याद और रख ले, अगर कहीं तू खो जाए, कहीं रल जाए, तो बेटा भैंस का खूंटा पकड़ लियो। क्या, अगर मैं कहीं रल जाऊं या खो जाऊं तो भैंस का खूंटा पकड़ लूं? हाँ, अब मेरा बेटा समझदार हो गया है। जा बेटा, जल्दी जा, जल्दी जा। ठीक है अब्बू, तो इतना आराम कर, मैं यूं गया और यूं आया। जा बेटा, जल्दी जा। या अल्लाह, इसे कूलर कोई चला लूं, ये तो गर्मी इतनी हो रही है, मैं तो परेशान हो गई गर्मी में भी। एक ही इसमें पिलक नहीं लगा के देते, जिस दिन मेरा करंट लग जाएगा ना, उस दिन इसमें पिलक भी लग जाएगा। आय हाय, ये भी अभी गिरना था। रोज कहती हूँ पिलक लगाने के लिए, लेकिन इनके कान पे जू नहीं चलती। हाय अल्लाह, चल तो गया। चल अब तो कुछ सुकून सा मिलेगा ही, अब भी तो कुछ सुकून सा मिला, चैन सा आया। अगर मैंने इसमें पानी नहीं डाला तो डला ही नहीं है। ठीक है, जा रहा हूँ अब्बू की दवाई लेने। हाँ हाँ, जाओ जल्दी। कूलर की हवा कैसे रही है? हाँ जी। और ये धागा अजमेर शरीफ पे बंधवा का ही? हाँ, ये धागा अजमेर शरीफ का है। ठीक है, तू भी आराम कर, अब्बू ठीक हो जाएगा, मैं दवाई लेने जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ जल्दी, आ जाना। आ जाऊंगा। भाई साहब, मुझे डॉक्टर की दुकान पर जाना। डॉक्टर दुकान पर जाना? डॉक्टर की दुकान पर जाना मुझे। कौन से डॉक्टर की दुकान पर जाना है? नाम तो होगा सो कुछ। नाम तो मुझे पता नहीं भाई जान। नाम नहीं पता तो फिर मैं कैसे बता दूं भाई जान?
देखो अपना काम देखो आगे। ओवे अकड़ रहा। ओवे इसे पता नहीं है, मुझे पता नहीं है। ओवे मैं तो रल गया, देखा हूँ अबू कह रहे थे कहीं रल जाए खो जाए तो वैसे फोटा पकड़ लियो। अबू सही कह रहे थे। ओवे घोटा भी है ना, अबू का कहना पूरा करता हूँ, भैंस का घोटा पकड़ लेता हूँ। अबू कह रहे थे ये ठीक है। अबू मैं तो रल गया, आए अबू मैं तो रल गया, आए अबू तो सही कहता था अबू तो कहीं रल जाए तो घोटा पकड़ लिया। अबू मुझे तो डॉक्टर की दुकान भी नहीं मिली, मैंने अबू तेरा कहना फुका दिया, अंगूठा पकड़ के बैठा बब्बू, मुझे 2 घंटे हो गए। आय अबू आय अबू रल गया, आय अबू मैं रल गया, आय अबू आय मेरे अबू मैं रल गया, मेरा कोई नहीं है दुनिया में, यहाँ अबू मैं रला फिर अबू। दूध लेकर आया भैया, रोटी न ले आया भैया, रोटी खत्म हो गई, अब्बू ने बड़ी मुश्किल से दिया 1 गिलास दूध। क्या अब्बू ने दूध बड़ी मुश्किल से दिया? ओए इसका मतलब दुनिया के अब्बू दूध देते, हमारे अब्बू ने एक बूंद भी दूध नहीं दिया, खा खा के सांड हो रहा। एक बार तो अब्बू ने भगाई दिया, फिर क्या मैंने अब्बू को पकड़ लिया, उनका 1 गिलास दूध तो देना ही पड़ेगा। ले दूध ही पिला दूँ, मेरे अब्बू भी दूध बड़ी मुश्किल से देते हैं। अब्बू ये लो तुम दवाई खाओ, उनकी तो तुम्हें पता ही है कब आए कब जाए। रुखसाना वो तो यूं करा था, यूं गया और यूं आया, हमें तो पता ना है अब्बू, शाम होने को आई, कुछ अता पता है नहीं उनका। तुम दवाई खाओ आराम करो, आए तो ठीक और ना आए तो भी ठीक। ला ला बेटा ये लो, अल्लाह शाफी अल्लाह काफी। सुखसाना बेटा। हाँ जी। शेख चिल्ली आ जाए ना। हाँ। उससे कह दियो अब्बू याद कर रहे हैं। ठीक है अब्बू, कह दूंगी। बेटा गिलास ले जा। ठीक है अब्बू, आप आराम करो। मैं कर लूंगा, तू जा। लाओ भाई साहब पी के देखता हूँ, बहुत भूख लग रही। अबे दूध तो बिल्कुल भैंस के जैसा ही है, इसका मतलब हमारे अब दूध नहीं देते, गद्दारी करते। लो भाई साहब लो गिलास। कहाँ जाओगे? भाई यार मुझे कहीं नहीं जाना, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ, अपना काम करो। उधर की हवा में लंबी लेट रही है। आ गए तुम तो दवाई लेने गए थे अब्बू की। मैं दवाई गई भाड़ में, तुझे पता अब्बू हमारे साथ गद्दारी कर रहा। गद्दारी? मैं कुछ समझी नहीं शेख जी। रुखसाना दुनिया के अब्बू दूध देते हैं और हमारा अब्बू खा खा के सांड हो रहा, आज तक एक बूंद भी दूध नहीं दिया। ये क्या कह रहे हो शेख जी, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मुझे 1 गिलास लेगा, मैं दूध लाता हूँ, अब्बू दूध देगा, चाय पकेगी। ठीक है अभी लाती हूँ। ठीक है आज देख, अब्बू दूध देगा, चाय पकाइए और अब्बू को पिलाइए दूध भी और मुझे भी पिलाइए। ये लो गिलास, अब लाता हूँ दूध निकाल के। हाँ जाओ लाओ दूध निकाल के। हाँ जा रहा हूँ, देखती हूँ मैं भी कैसा दूध लाओगे। या अल्लाह मुझे तो लगा शेख जी का टाइम खराब आ लिया, मैं तो बचाने वाली नहीं हूँ, जब कुछ भी हो जाइयो। अबू आपका तवज्जो दूँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अबू हाँ। तुम मुझे मिस कर रहे? ये क्या हो मतलब, तुम याद कर रहे थे? हाँ हराम खोर, मैं याद कर रहा था बेशरम। ले आया दवाई? दवाई बाद में खाइयो अबू, पहले गिलास दूध दे दो, चाय पकेगी। दूध दे दूँ? हाँ। अरे बेटा
इंसान दूध नहीं देते। अबू मैं भी यही मानता था कि इंसान दूध नहीं देते, पर मैं कैसे मान लूं? मैं आज पी का आया हूँ। एक ला दूध दे दे। बेटा मुझे लगे तेरी खाल मसाला मांग रही है, वो लट देख रहा ना। हाँ हाँ पड़ा, अभी दो चार लट पड़ते सही से दूध दे दूंगा। जा चला जा हरामजादे, चला जा। ओए अपने बड़ा दो चार लट पड़े अच्छा से दूध दे दूंगा, इसका मतलब बिना लट पड़े दूध नहीं दे। अबे क्या सोच रहा? कुछ नहीं कुछ नहीं, जा अपना काम कर ले। ठीक है अपना काम करता हूँ मैं, अपना काम करूंगा ले, अपना काम करके दिखाता हूँ मैं। अब दिखाता हूँ अपना काम कर। देखो तो सही क्या हो रहा। तुम पागल हो गए, अबू को मार रहे हो। पागल हूँ मैं, पागल हूँ जाना, पता नहीं है ये नीचे क्या झांक के देख रहे हो? अबू अबू तू लौंडे से गद्दारी कर रहा, लौंडे से गद्दारी कर रहा, तू बच्चों से गद्दारी कर रहा है। क्या गद्दारी कर रहे हैं अबू बच्चों से? कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, आज पानी का दूध दिया, कल गाढ़ा भी देगा, कल गाढ़ा भी देगा। इसे छोड़ो, बिल्कुल ही पागलपन दिखाते हो, चलो अंदर। शेख जी तुम्हें शर्म नहीं आई अबू पर लठ बजाते हुए? लोग तुम्हें क्या नियालती देंगे? पर मेरा क्या कसूर है? तो किसका कसूर है? अबू ने खुद कहा था कि 2000 लट लगते अच्छा से दूध दे दूंगा। मैं सोचा भैंस की तरह पिट के देगा, अब उसने पानी का दूध दिया तो मैं क्या करूं? पानी की चाय पिएगी तो? मैं क्यों पीती, तुम पीते? आराम से बैठी रहे, अब मुझे अपने मन की करनी है, जैसे बता ऐसे करती रहे। अब कहाँ जा रहे हो? बाबा दावत है घर में, घर में दावत है हमारे। अरे कोई बात नहीं आ जाएंगे, ना होता इसे भेज दिया, दावत है तुम्हारी। ठीक है अभी आ जाओ, बस मेरे साथ ही आ जाओ, अभी अभी आ जाऊंगा। नाजिर भाई, नाजिर भाई। अरे कौन हो भाई, गेट खुला हुआ है, आ जाओ अंदर। मैं था शेख चिल्ली। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शेखू भाई आ जाओ। नाजिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठवाने देर हो रही है मुझे, और भी जाना कहीं। आपकी दावत है घर पे। इस बात की दावत है? बस खुशी है। इस बात की खुशी है? बस खुशी की बात पूछो, आपकी दावत है। कोरमा बिरयानी बना रहे। चलो ठीक है, आ जाओ बस मेरे साथ साथ ही आ जाओ। हाँ जी अभी तुरंत ही आ जाओ। चलो तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ ना, दो आ जाओ आ जाओ। पर अभी क्या? हाँ शेख भाई। बाहर को आओ भाई जान। हाँ शेख भाई। अभी भाई आज तुम्हारी दावत है घर पे। ठीक है भाई। हाँ दावत है मुर्गे की, बस आ जाओ। चलो आ रहा हूँ। जाओ मेरे साथ ही आ जाओ। ठीक है आ जाऊंगा। भाई मालूम नहीं शेख जी किस बात की दावत करके गया। चलो भाई दावत खाया, हमें बहुत दिनों बाद दावत मिली। चलो अब तो वहीं चल के पता लगे कि किस चीज की दावत है। चलो अब तो वहीं देखेंगे। मेरा चश्मा कहाँ गया? ओहो वहाँ पड़ा चश्मा। चलो घर के काम तो रोज रोज रहते हैं, दावत तो कभी कभार आती है। चलो चलते हैं दावत खा लेते हैं। ये आदमी कभी सुधरने वाला नहीं है, मैं तो चली जाऊंगी यहाँ से, जब पता चलेगा कैसा होता है कैसा नहीं। अरे बेटा रुखसाना। हाँ अब्बू। शेख चिल्ली कहाँ गया है? मुझे ना पता अब्बू, अगर कुछ बता के जाए तो तुम्हें मैं बताऊंगी कहाँ गए हैं कहाँ ना। मेरा तो बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है जब से तुम पे हाथ उठाया है। अरे बेटी मेरा ही तो बेटा है, तेरा क्यों दिमाग खराब हो रहा है? बेटा रे वो करता है जो मैं कहता हूँ। अबू हाँ। करते तो हम भी वही हैं, पर पागलपन कुछ ज्यादा नहीं था? कोई बात नहीं बेटा, अब आए ना उससे कुछ ज्यादा मत कहियो कुछ भी। ठीक है नहीं कहूंगी। हाँ ठीक है। बेटा शेखू आ रहा, उससे कुछ कहियो मत। नहीं अबू मैं कुछ नहीं कहूंगी। ठीक हो गए? हाँ वो तो रुखसाना बेटी ने दवाई दे दी थी, मैं तो ठीक हो गया, पर तू का मारा मारा फिरे, कुछ खाना का माना नहीं है क्या? खाने की बात करके आया हूँ अब्बू। अब्बू तुम मेरे अब्बू हो ना?
हाँ वो तो मैं हूँ। काम के सुन लो पू, काम तो मैं कर आया हूँ, मैं लोगों को दावत दे आया हूँ, बस तुम्हें इतना काम करना। क्या करना है? इतने मैं ना आऊं, हाँ उन्हें जाने मत देना। क्या दावत, खाना, लोगों को नहीं जाने देना? ये क्या ड्रामा है शेख जी? अब सारी बात बताऊं, अब्बू की दूध वाली बताऊं? ठीक है, हमें ज्यादा कुछ ना पता, पर हमें इतना पता है जितना तू कहेगा, जो तू कहेगा हम इतना करेंगे। ठीक है, ठीक है रुखसाना। ठीक है, ठीक है। बस जो भी आए बोलो, दावत दिया शेख जी ने, बस बैठा लेना, जाने मत देना इतने मैंने आऊं। अबू चाहे कुछ भी हो जाए, बस जाने नहीं देना किसी को। हम किसी को भी नहीं जाने देंगे। हाँ जिम्मेदारी निभाना अबू। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। अबू रवि भाई तो आ गए। अबू मैं चलता, मैं लाऊं चिकन मुर्गी मुर्गा। अच्छा अच्छा जा तो जा। तो भाईजान दावत तो तुमने सुबह से दे रखी है, अभी तक कुछ बनवाया भी नहीं। मैं भाईजान आप तो नाराज हो गए, मैं भी कर रहा हूँ बैठो तो सही, इतना बना दिया होगा क्यों अबू? बिल्कुल भी जाने मत देना, मैं यूं गया यूं आया। भाईजान घर में जो भी कुछ बना हो हमें तो वही खिला दो, हमारे पास फालतू टाइम नहीं है। अबू इधर सुनो, इन्हें जाने मत देना चाहे कुछ भी हो जाए, रोक के रखना। हाँ ठीक है, ना जाने दूंगा। मैं जाता हूँ लाता हूँ चिकन वगैरह। ठीक है, जाने मत देना चाहे कुछ भी हो जाए। भैया आराम से बैठ जाओ अब तुम। अजी कहाँ भेज दिया तुमने वो, हमारे पास टाइम नहीं है, मैं बाद में खा लूंगा दावत। देखो जी अगर आप चले गए तो शेख जी हमें जान से मार देंगे, जो शेख जी बोलते हैं हम वो ही करते हैं, हम आपको जाने नहीं देंगे। शेख जी हैं क्या? आइए आइए भाईजान बैठिए। तुम भी दावत खाने आए हो क्या? हाँ जी शेख जी दावत करके आया था मेरी। हाँ ठीक है बैठो बैठो, शेख जी आते ही होंगे, दावत खा के जाना। ठीक है जी। अजी क्या खा के जाना, दो घंटे तो मुझे हो गए बैठे बैठे, अभी तक तो आया नहीं है वो, मैं नहीं खाने ऐसी दावत वावत। अबे ओ दावत खा के जाइयो, मैं नहीं जाने दूंगा बगैर शेख चिल्ली के। भाईजान हमें नहीं ऐसी दावत की जरूरत। सुनो भाई चलो, हम तो अपना काम छोड़ कर आए, ये तो बड़े बेगैरत लोग हैं, दावत दिया है घर पे नहीं। अजी किस पे टाइम रखा इतना? लो वो आ गए, जल्दी मत करो। बोल बेटा ये दावत वाले पागल हैं क्या? और क्या अकलमंद है, बगैर सालन बगैर आ गए साले। क्या कहा, हम पागल हैं? चलो भाई चलो। अजी मेरा मतलब है कि मैं पागल हूँ, मैंने बगैर सालन पके बुला लिया साले को। तो अब क्या रहा, दावत है चलें। भाईजान मैं क्या बतलाऊं, जैसे मुर्गे के लिए गया मुर्गा रोजा खोलने चला गया साला, मैंने कोशिश तो बहुत करी। अब वो हाँ अब वो कर रहा जो मैंने तुम्हें बतलाया था। अच्छा मैं यूं गया यूं आया, आ लिया होगा मुर्गा रोजा खोल के। बस एक चिल्ली, हमें जरूरत ना ऐसी दावत की, रोजेदार मुर्गे को कटवाएगा। क्या कहा? अबू कुंडी बंद कर लो, जाने मत देना, बिना दावत के जाने ना चाहिए। जाओ तुम जाओ, हम देखते हैं कैसे चले जाएंगे बिगर दावत खाए। रुखसाना तू ताला लगा दे, मैं देखूंगा कैसे जाएंगे बिना दावत खाए। अबे हराम खोरो तुम्हें इतना भी सबर नहीं है? अबे वो मुर्गा रोजा खोलने गया, आ जाएगा कट जाएगा पक जाएगा खा लेना। जा बेटा एक काम कर, तू बाहर से कुंडी लगा जा। क्या? एक भी निकल ना जा वरना तुझे बहुत कैडी पड़ेगी। हाँ जा तू जा। रुखसाना बेटी। हाँ अब्बू। अब मैं देखता हूँ इनमें से कौन बाहर जाएगा। हाँ। आ तू मेरे साथ आ। चलो चलो आओ निकल लो। चलो बे बैठ जाओ एक तरफ को। खामोश। रुखसाना बेटी ध्यान रखियो उनका। अबू बाहर आ जाओ, ये तीन सांड मेरे से न संभले, जल्दी आ जाओ अबू। रुखसाना बेटी तू यहाँ बैठ। ठीक है अबू। मैं देखूं जरा इनको।
यहाँ बैठ जा। हाँ ठीक है। हाँ भाई। दावत मिलेगी मिलेगी, हरा मुर्गा भी टांगों पे चल के। डरो मत, हाँ 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 दावत तो मिलेगी तुम्हें, दावत मिलेगी। बेटी अब तू पैरा दे ले। ठीक है अब्बू, अब मैं देखती हूँ। मुर्गा, बिरयानी, तो तू दावत खाएगा? दावत खिलाते हैं अभी। तो दावत खाने आए हैं तीनों नमूने, यहाँ से खिलाएंगे। अब्बू मैं तो थक गई, अब तुम देखो इन्हें। अब तू बैठ जा बेटा, मैं देखता हूँ इन्हें। सेक चिल्ली का अब्बू जी, मुझे जाने दो, मुझे तो भूख भी नहीं है। अबे ओए चुपचाप बैठो, हमें कुछ नहीं सुननी जब तक शेख चिल्ली नहीं आ जाता। ये क्या ड्रामा बना रखा, हमको ही बिना बुलाए आए थे? हाँ तू ना बोलियो, तुम दावत खाने आए थे ना? आए थे ना। ना जी ना, हमें कोरमा खाना ना ऐसी बिरयानी खानी। दावत खा के जाना, अगर नहीं खिलाई तो तुम तो पूरे गांव में हमारी बुराई करोगे। करोगे ना। ना जी ना, हम ना करें तुम्हारी बुराई, हम तो तारीफ ही तारीफ तारीफ ही तारीफ करेंगे। आराम से बैठो वरना लाठी की दावत शुरू हो जाएगी। सुन लो बे, अगर यहाँ से भागने की कोशिश की ना तो तुम्हारी खैर नहीं है। वरना जी खैर नहीं है, क्या तुम हमें मारोगे? कुछ तो करना ही पड़ेगा। सुन लो बे, जुबान को खामोश करके बैठो वरना अभी लट बिरयानी खिलवा दूंगा। अबू तुम बैठे हो ना यहाँ पे? हाँ मैं बैठा हूँ, मैं थोड़ा आराम कर लूँ अंदर जाके। आ जा तू आराम कर ले। ठीक है, इन्हें निकलने को दूंगा मैं। बैठ जा। गेट पे तो बाहर से कुंडी बंद है, चलो दीवार कूद के निकल लेते हैं। चलो कहाँ गए? रुसाना रुसाना रुसाना। अबू मेहमान भाग गए। भाग गए? हाँ। अबू हाँ, ढूंढो उन्हें वरना शेख जी बुरा मान जाएंगे। गेट तो बंद है, बाहर तो नहीं चले गए, आजा जल्दी। चलो चढ़ जाओ दीवार पे, चढ़ जाओ दीवार पे से कूद लेते हैं। चलो 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 जल्दी, चलो ऊपर को, चलो ऊपर ऊपर, चलो 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 जल्दी, खींच ले खींचो खींच सालो खींच लाए हो खींच पूरे तेरे गए थे हम याली है हैं चिल्ली बैग बात नहीं है। अजय पुरिया वाला ने दुकान नहीं खोली तो इसमें मेरी क्या कमी है? सारा दावत खा के जाना वरना तुम तो हमें बुराई कर कर मार दोगे। अबू जाने मत देना धारा को वरना बुराई करके मार देंगे तुझे। हाँ मैं इधर खड़ा हूँ, हमें नहीं खानी दावत, हमें माफ कर दो।
सालो नीचे उतरियो नहीं लठ मार के टांगे तोड़ दूंगा। रुखसाना जरा मारिए इसके। अच्छा मार इसके। उतरो नहीं खिला के भेजेंगे। उतरो खानी दावत कहाँ है बाहर निकाले तो आज के बाद दावत में कहीं जाने का भी नहीं हूँ। बाहर निकाले से दावत तो हम खिलाएंगे। दावत खाए बगैर जाने न देंगे। दावत खाएगा चल आ चल आ पढ़ ले बेटा निकलना चाहिए। आगे चल आगे गांव वालों को बुला बेटा। हाँ गांव वालों को बुला रहा हूँ मैं। गांव वालों भाई शेख सिल्ली मामला क्या है? प्रधान जी मसला ये है, बात ये है मेरे अबू और मेरे घर वाले घर में बस तीन आए देखा चक्कर में। अरे रफीक तुझे शर्म नहीं आई? मोहल्ले पड़ोस में दिन दहाड़े चोरी कर रहा है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। बाजी हमें बचा लो, हमने डाली डकैती वकैती। अजी काहे की डकैती, हम तो तीनों के तीनों दावत खाने आए थे। अगर ऐसी पता होती कि दावत के बदले झाड़ियों में छुप के जान बचेगी तो हम ना आते दावत खाने। प्रधान जी इनसे ये पूछो, जब ये डकैती नहीं डाल रहे थे तो दीवार कूद के क्यों भागे? दरवाजा खुलने का इंतजार करते। शेख जी इन्हें माफ कर दो, गांव मोहल्ले की बात है। क्यों प्रधान जी? शेख सिल्ली भैया इन्हें माफ कर दो, गांव का मसला है, गांव की बात है। ठीक है प्रधान जी, जब तुम कह रहे हो और खुशबुआ जी कह रही है इनकी, जी तो मैं माफ करता हूँ, वरना आज इनका पाया तार देता और पूरे मोहल्ले की दावत करता, बतला देता कैसी दावत खावे। एक बात याद रखना, सुनो बे जा तो रहे हो, आइंदा कभी दावत खाने आ मत जाना इधर को। ठीक है जी। हमारी गलती बता रहे हैं, अपनी गलती नहीं बता रहे। चले जाओ, चले गए साले, साले पलट फेर देता। मैं जब मुर्गा मिला ही नहीं साले, मैं क्या करता। बैठे बेटा, कोरमा खिलाता साले को, देखा बच गए साले। एक बात तो बता भाई, ये इतना पागलपन क्यों दिखाता है लोगों को और हमें भी दिखाता है? अब लोग क्या लानतियां देंगे हमारे ऊपर। इतना पागलपन भी ठीक नहीं है शेख जी, तुम लाए तो अब भी कुछ नहीं। दावत किस बात की दी थी? दावत इसलिए दी थी क्योंकि अब्बू दूध देने लगे। गांव वाले कहते हैं कि अब्बू दूध देने लगे, दावत नहीं थी। मेरे गांव वालों को दावत देती, अब मुझे क्या पता था मुर्गे वाला दुकान नहीं खोलेगा। खेल तो इसका पागलपन, मैं तो चला। अब्बू रुको, खाना पका देती हूँ, खाना खा के जाना। हाँ तू रोटी पका ले, मुझे लोगों से माफी मांगनी है। चल अबू, मैं भी चल रहा हूँ, गलती मैंने किया तो माफी मैं मांगूंगा। जा पहले तू ही मांग ले जाके। पका बेटे रोटी, आता हूँ मैं अभी। ठीक है अबू, पका देती हूँ अभी। पूरे दिन भूखे मार दिए और भगा भगा के थका दिए। अरे शेख चिल्ली, याद रहेगी आज की दावत, कभी जिंदगी में नहीं खाई इस दावत। अरे अभी भाई घर में हो, बाहर आओ। शेख चिल्ली अब क्यों आया, अब क्या कर रहा है यहाँ? मैं तो माफी मांगना है भाई जान, माफी दे दे मुझे, माफी दे दे। अबे तू जा चला जा यहाँ से, अभी किसी को बुला के तेरी हड्डी तोड़वा दूंगा। मैं माफी तो मांग रहा भाई जान इतनी। अबे तू जा रहा ना जा रहा? अरे भाई जान सुनना जरा भाई जान, माफी नहीं कर रहा साले। क्या बात होगी रफी? अजी वो शेख चिल्ली आया था बेवकूफ सा। अबे वो बहुत पागल आदमी है, उसका बाप बहुत शरीफ आदमी है, मरन दे उसको। जा तू अपने घर जा, ठीक है? चलो ठीक है।
अरे रफीक। चाचा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भैया रफीक, मैं अपने शेख चिल्ली के लिए तुझसे माफी मांगने आया हूँ। भैया चाचा माफी की कोई बात नहीं है, आ जाओ खाना तैयार है, खाना खा के जाना। बेटा खाना तो मैं घर जाके खा लूंगा, पर तू मुझे माफ कर दे। चलो माफ तो कर दिया, पर खाना बना रखा है, खाना खा के जाना। कोई बात नहीं बेटा, तू खाना खा, ठीक है? कोई बात नहीं चाचा, बड़े हो आप। अबे इन बाप बेटों ने दिमाग खराब करके रख दिया। नासिर भाई तू फिर आ गया, अपनी कोई कसर रह गई? डरो मत, डरो मत भाईजान, मुझे माफ कर दो भाईजान, मैंने आपको बहुत सताया, मुझे माफ कर दो मुझे। तो भैया काहे की माफी है, तू चला जा मेरी आंखों के सामने, तो बिल्कुल मेरी आंखों में खून खोल रहा, चला जा बस, तू जा, निकल जा, निकल ले। माफी मांग लो हमारा सर यार, निकल जाऊं, शर्म नहीं आई से माफी मांगना आया? अबे ऐसी दावत हमने जिंदगी में कभी नहीं देखी और कभी आगे देख भी नहीं पाएंगे। नासिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या बात है, दोनों बाप बेटे घर से सलाह करके आए थे आज, आओ बैठो बैठो। नासिर भाई, जो मैंने और मेरे लड़के ने आपके साथ किया है, मैं उसकी माफी मांगने आया हूँ, तुम उसे माफ कर दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, माफ कर दो। कोई बात नहीं, माफ किया, लेकिन देखो बात माफ करने वाली तो थी नहीं। वैसे तो ठीक हो ना? ठीक है, आप अपने घर जाओ, कटे पे नमक मत छिड़को। ठीक है ठीक है, आप आराम करो, मैं चलता हूँ। ठीक है जाओ, माफ किया। माँ पे धी पिता पे छोरा, ज्यादा ना तो थोड़ा थोड़ा। जब भी घर में खाली सोती हूँ, सॉरी है, खड़ी हो। ये बदतमीजी नहीं छोड़ोगे? चल रोटी ला दे। लाती हूँ अभी, पूरा कूलर के मजे ले रही है। हाँ हाँ, अब तुम भी ले लो। ये लो। अबू कहाँ गए रुखसाना? अबू बाहर कोई गए हैं। अबू भी रोटी खा लेते हैं। पहले तुम तो सटक लो, अबू भी खा ही लेंगे। खा ले रुखसाना। तुम ही खा लो। सारा तो बढ़िया पकाया। अबे शेख चिल्ली। अबू। हाँ। हाँ फिर रे उधर उधर, रोटी खा लो। फिरने की सुन ले, तेरी गलतियों की माफी मांगता फिर रहा हूँ। अबे कमबख्त मारो, कुछ काम धंधा देख ले। बाबू जब काम ही नहीं था क्या करूँ, तू बतला, कर लूंगा मैं तो। अबे वो शब्बीर है ना? सबरू। हाँ शबलू। सबरू सबरू। हाँ शबरू शबरू। हाँ वो ढाबा चलाता, ढाबा साझा मिलानो कह रहा, तू कह तो मिला लूं। साझा कर ले, साझा मिलानो कह रहा। हाँ करने की सुन ले, उसका तो चल रहा ढाबा। बार एक बात है अबू। हाँ साझा करूंगा तो शेख चिल्ली के नाम से ढाबा करूंगा। हाँ हाँ मेरी सारी बात हो गई है, वो तैयार है। ठीक है ना, मैं भी तैयार हूँ। आ फिर चल। चलो मैं तो रोटी भी नहीं खा रहा। चल आ जा। चलो और सुनो, जब शाम को आओ ना तो मेरे लिए भी मटर पनीर लाना बढ़िया सा। काम चलानी साली, पहले मटर पनीर खा ले, दावा चलानी, दावा चलानी, पहले मटर पनीर खा ले। जो बैठी रहा हूँ टांग मत फंसावे। आ बेटा चल काम कर। इनका तो अल्लाह ही मालिक है। साबिर भाई। हाँ भाईजान। भाई एक बात सुन ले, मैं सालन पर रहूंगा, पैसे मैं रखा करूंगा। ठीक है भाईजान। और अब्बू तुम्हारा काम है बर्तन धोने का, प्लेट साफ करोगे? क्या मैं बर्तन दूंगा? ओए मैं बर्तन नहीं धोऊंगा। मैं डर क्यों रहे अब्बू, एक बार सुनो, इतने कोई आदमी ना मिले इतना कर लो, फिर तुम्हारी छुट्टी। तो साबिर भाई ठीक कह रहे हो भाईजान, चाचा जब टाइम मिला करेगा तो हम धो लिया करेंगे। हाँ ये ठीक है। ठीक क्या खा गए, बर्तन साफ करो, चलो प्लेट साफ करो, चलो आंखें मत दिखाओ, लगा करने लगे, जल्दी धो, साफ करके धोइयो। ठीक क्या खा गए, जल्दी धो। अबू सब्जी खराब कर रहा, बोनी हुई नहीं अभी, आराम से धो लो, धो लो, साफ करियो अच्छी तरह से। आए हाय बर्तन फोड़ेगा अब्बू। काम तो अच्छा मिल गया, दोनों बाप बेटे भी एक साथ रहेंगे, शेख जी भी कोई बदतमीजी नहीं करेंगे। या मेरे मौला इस काम को ऐसी बनाए रखना, अपनी रहमत ऐसी बरसाते रहना, या मेरे मौला तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे शेख जी ये क्या कर रहे हो तुम,
चेक करने वास्ते ही कर रहा हूं, ना खाना चेक कर रहा हूं। अगर गलत बन गया तो क्या पिटवाऊंगा ग्राहकों से? तुम ना काम कर। चलो ठीक है। आवे क्या चाहिए? नली पाया भेजा ले जी गुरुदेव, क्या चाहिए? या वेज में चाहिए कुछ? शेख चिल्ली। हां भाईजान। प्लेट तो गंदी है यार ये। प्लेटें गंदी है अबू? हाँ बेटा। हाँ बेटा, अब प्लेट कैसे धो रहे हो? गिलास सारा गाली दे दिया। धो तो रहा हूँ। हमें साला बता रहा, हमें गाली दे रहा है। अबे नहीं नहीं बेटा, रहा था अभी पूछवा रहा हूँ। आ जाओ भाईजान, आप बोलो आपको क्या चाहिए। भाईजान मुझे तो दो पाए निकाल दो। सबरो। हाँ भाईजान। भाईजान के पाए निकालो। ठीक है भाईजान, बैठो। ठीक है शेख जी। भाईजान, दो मिनट में आपके दोनों पाए हाथ में। साला ये कह रहा है दो मिनट में आपके दोनों पाए हाथ में, मुझे नहीं खाने ऐसे पाए। अबे ग्राहक भाग गया। अबे भाई रुक तो सही, तेरे ही तो पाए निकाल रहा हूं। अबे भाईजान रुक तो सही, तेरे ही तो पाए निकाल रहा हूँ। ओ भाई मुझे ना खाने ऐसे पाए। अबे साला ग्राहक ही भाग गया। शेख जी हाँ। वो ग्राहक ही भाग गया। बता ग्राहक ना भागता ही, तुम भी इतनी देर लगाते हो, प्लेट बिल्कुल तैयार थी पाए होगी। चला जा घर, कोई बात ना, भागे तो भाग जाते, तो अपना काम कर, श्राद्ध काट ले। अच्छा ठीक है, एक काम करो, अपने होटल में एक मुजरे का प्रोग्राम रखो, सारे कस्टमर वापस आ जाएंगे। मैडम जैसा पहले ऐसा होगा। ओके। शेख जी पैराडाइज होटल वाले हमसे चिढ़ रहे हैं। चिढ़ने दे, तुम अपने काम को बढ़ाओ, मगर एक बात सुन ले, प्लेट वाला टहलो कोई अब्बू नगरे कर रहा, अगर अब्बू भाग गया तो काम पिट जाएगा बेटा, या तो प्लेट तुझे धोनी पड़ेगी या मुझे।
सही कह रहे हो शेख जी, प्लेट धोने वाले का इंतजाम करना पड़ेगा। अबू तो प्लेट भी ऐसे मारे टेबल पे, धड़ाक देनी सी जैसे हथौड़ा मार रहे हो। सही कह रहा सबरू, अगर ग्राहक के सिर में मार दी तो होटल हमारा बंद हो जाएगा। सादा भाई, शेख के ढाबे में खाना तो टॉप का बनता है, अब खा भी बहुत दिन लिया। अब मैंने सुना है कि पैराडाइज वाले मुजरा कराते हैं, आज शाम का खाना पैराडाइज होटल में खाएंगे। यार वो डांसर बहुत टॉप की गई है, आज उसी का डांस देखेंगे। हाँ शेख जी, क्या होगा ग्राहक आने बंद हो गए। सबरू भाई, सबरू भाई। हाँ शेख भाई, पैराडाइज वालों ने क्या मुजरा करवाना चालू कर दिया। हाँ भाई जान, ऐसे तो ग्राहक एक भी नहीं रहेगा हमारे पास, हम कब तक मक्खी मारेंगे। सबरू भाई, हाँ यार मैं भी कितना कमीना आदमी, अबे जिस दिन से ढाबा खोला पूजा प्लेट धुलवा रहा हूँ। शेख भाई मुझे भी बड़ा अफसोस होता है, मेरा दिल रोता है अंदर से। तुम एक काम करो, चाचा को गल्ले पे बैठा दो, पलेटे मैं धोऊंगा। गल्ला गल्ला, आपको भी कौन सी गल्ले कोठे में घुसा दो, काम चल नहीं रहा।
शेख जी, हमारे ढाबे पर एक भी ग्राहक नहीं है, ऐसे कैसे काम चलेगा? सही कह रहे हो शब्बीर भाई, इसका तोड़ तो ढूंढना पड़ेगा और मैं ढूंढ के रहूंगा। मेरा नाम भी शेख चिल्ली है। भाई इमरान भाई, हमने सुना शेख चिल्ली ने ढाबा खोल लिया। आज पे चला अमीर पहले पता। चलो खाना खाते हैं, आज कौरमा खाएंगे। वैसे तो है ना, कभी फिर खा लेंगे। क्या हुआ, उस दिन की दावत ले लेंगे। ये तो सही है, मगर पैसे नहीं है, कभी बेइज्जती कर दे। अरे बेइज्जती नहीं करेगा, तू चल। चलो ठीक है। सबरू भाई देखिए सामने पैराडाइज में। हाँ शेख भाई, लाइन लग रही है। हाँ यार, हम तो बिल्कुल ही। हाँ यार, बैठो बैठो। अरे मेरी तकदीर के सितारों, बैठो। सबरू चल 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 चल, लगा 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 खाना, लगा लगा बैठो, लगा। हाँ कड़ी मांग रहे, कड़ी देख रहा कबू, कोरमा किसी और खिलाएंगे। ले पकड़ा जल्दी फटाफट दे। रोटी दे रोटी दे रोटी दे। बस राज की पूछ ले और पानी दे पानी। या अल्लाह, हमारे बारे में सोचा तो सही, अब काम चल पड़ेगा। बढ़िया, सही कह रहे हो शेख जी। और ध्यान रख, सलाद मांगे तो गोभी का सलाद दे दिया जरा। ठीक है, दे दूंगा। ठीक है, खाओ जो कुछ और चाहिए बता देना। लाओ भाई 110 रुपए दो। भाई हमारे पास तो पैसे नहीं है। शेख जी, ये तो कह रही है हमारे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? हाँ। अच्छा हम आते। ओ भाइयों, अब पैसे निकालो। ऐसे मजाक बिल्कुल नहीं, जब ऐसे सिर पे दर्द सारे ग्राहक टूट गए। देखो शेख जी, उस दिन की दावत बराबर हुई। ये कोई चक्कर नहीं भाई जान, साझे का मामला चल रहा। चलो मैं अपने हिस्से के छोड़ भी दूं, शब्बीर तो लेगा। पर हमारे पास तो पैसे नहीं है, अब क्या करें? मसला हल करना है भाई। कोई मसला हल करो, मैंने इससे पहले मना करा था। ऐसे बोल, ऐसे कर भाई, इससे तो प्लेट धुलवा। और तेरा नाम रफीक है ना, तू रफीक बन के नाच। अगर ग्राहक आ गए तो पैसे पूरे। क्या कहा, मैं तेरा दिमाग तो ठीक है ना? ए, तेरा तो ठीक है ना, जब हराम का खारा जब नहीं सोचा करते हो, या बुलाओ पुलिस को। भाई मैं अपने हिस्से के पैसे दे सकता हूँ, मैं प्लेट नहीं दूंगा। पर मैं नाचूंगी कैसे? एक बात सुन, आवाज आ रही है ना, संगीत की आवाज आ रही है ना। बस उसी आवाज में डांस कर दे रफीक ने बन के, बस कर दे तक तक दिन तक तक दिन तक। ठीक है, करती हूँ करती हूँ। हाँ ठीक है, करता मत बोल दिया, वही तोड़ूंगा पकड़ के। चल तो हो जा शुरू। रब्बा मेरा जो बन ले अंगड़ाई, हो रब्बा मेरा जो बन ले अंगड़ाई, हो रब्बा मेरा जो बन ले अंगड़ाई, ले अंगड़ाई है ले अंगड़ाई, ले अंगड़ाई है ले अंगड़ाई, हो रब्बा मेरा, हो रब्बा मेरा जो बन ले अंगड़ाई, हो रब्बा मेरा जो बन।
बड़ा मजा आ रहा था है ना। अब ले तो रहे टेस्ट इसका मानने का। कह रिया था एक रोटी और ला दे, प्याज ला दे, सलाद ला दे, धो ले ले। शेख जी हाँ लो चाय पियो। बार उधाना चाय क्या पी ले, अब तो किसी चीज को मन कर ही ना रहा। चाय भी अच्छी नहीं लगी रुखसाना। क्या हुआ शेख जी, काम तो अच्छा चलने लगा था। हाँ काम तो अच्छा चल गया था, मगर पैराडाइज वालों ने लौंडियां नचानी शुरू कर दी, सारे ग्राहक वहाँ भाग जा। अच्छा शेख जी तुम भी कुछ जुगाड़ कर लो। जुगाड़ तो है। क्या है जुगाड़? ना मेरा मन ये कर लिया, तू चल ढाबे पर नाच लियो, ग्राहक साले फटाफट 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 आएंगे। ये क्या कह रहे हो, तुम्हारे सिर में कफ मार दूंगी, मैं नाचने वाली दिखाई दे रही हूँ, मैं ना नाचू। रुखसाना हमने थोड़ी देर को रफीक को रफीकन बना कर नचा दिया, थोड़ी देर के लिए बस ग्राहक आने लगे। पर मैं तुम्हें एक तरकीब बताती हूँ। क्या तरकीब है? कान इधर लाओ। ये ठीक है, ललिया जल्दी लिया। लाती हूँ। ला ले बस, बाकी काम हमारा है। ये लो जाओ जल्दी। धावे पे चिल्ली के धावे पे बन गई सिला मुन्नी आशिकु के धावे।
रुको तो सही, रुको, अच्छा शीला मुंडी नाम ले हमें चढ़ा रहे हो, देख लो भाई आप लोग भी देख लो, शीला मुंडी मेरे सालियों का नाम है, सच्ची बात बता रहे ना पैराडाइज वाले तो मुजरा करवा रहे, तो हमारा ब्योत नहीं, हमारे धाबे में कैसा है, हमारा ब्योत था नहीं, यही शीला बन गई, मैं मुन्नी बन गई, ये देखो भाईजान हमारे तो नकली है सब कुछ, हमें माफ कर दो भाईजान, इसलिए गाना गा रहे थे, हमें माफ कर दो भाईजान, हम तो शेख चिल्ली के ढाबे के चक्कर में ड्रामा कर रहे थे, अरे चलो चलो यार अपने अपने घर चलो, शेख चिल्ली तो ऐसे करता, अब हम फिर मिलेंगे।